हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे टाटा ओमेंस प्रीमियर लीग का मैच जो खेला जाएगा दिल्ली ओमेंस और बेंगलोर ओमेंस का बीच। जो दिल्ली ओमेंस और बेंगलोर ओमेंस का बीच जो मुकाबला होगा वो होगा इंडियन समय अनुसार 7:30 बजे शाम को। 7:30 बजे शाम को खेले जाने वाले मैच में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, क्या बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच या बैलेंस पिच। अगर बैटिंग पिच है तो कौन सा बैट्समैन अच्छे प्रदर्शन कर सकता है और कौन सा बैट्समैन फ्लॉप हो जाता है। कुछ यूनिक बैट्समैन है दिल्ली ओमेंस की तरफ से, वो अच्छे खासे प्रदर्शन कभी करता है कभी फ्लॉप्स होता है। रिसेंट के मैच में खास प्रदर्शन नहीं किया है, अच्छे खासे प्रदर्शन करने का संभावना उम्मीद लगा सकते हैं। जो न्यू प्लेयर होगा वो अच्छे करेगा और जो जिन्हें जो पुराने प्लेयर है उनको फ्लॉप्स होने का संभावना है। अगर ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें, कुछ ऑलराउंडर है जो कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का मेन भूमिका निभाएगा, मगर ये बात जरूरी है कि वो कब बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, कितने नंबर में बॉलिंग करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जर्म कार्ड यूनिक ओलंडर के रूम में कौन रहेगा और रिक्सी ओलंडर कौन रहेगा, रिक्सी कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन रहेगा, सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन रहेगा और आपस में कुल कितने मुकाबले खेले हैं, कौन सा टीम जीते हैं और कौन सा टीम हारे हैं, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। विदाउट बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिनका लाइनअप में नाम शामिल है वो सिलेक्शन परसेंट लो है, क्या अपने टीम में सिलेक्शन परसेंट लो वाले प्लेयर को लेना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए और लो वाले का रिकॉर्ड कैसा है ये भी बताएंगे। चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन से यहाँ पर आ रहा है बंगलोर ओमेंस का रिशा घोष, जो कि नीचे उतरने के बावजूद भी लगातार फॉर्म में है और सिलेक्शन परसेंट के बात करें तो 97.5 यानी 98% हो गया है। 100 लोग में 98 लोग इसकी साथ जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से मानो इसे आज ड्रॉप कर देना, नहीं तो आपका टीम नुकसान हो सकता है। अब उसके जगह यह भाटिया अच्छा खासा है, दिल्ली ओमेंस की है, वो अच्छे खासे प्रदर्शन करेगी, लेकिन इनका इतना नीचे है तो इसलिए रिशा घोष का कोई भी हाल में लेना ही पड़ेगा, चाहे सिलेक्शन परसेंट हाई हो या लो हो, कंपटीशन हाई हो या लो हो, फिर भी आपको रिशा घोष को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर बैट्समैन सेक्शन में बात करते हैं, बैट्समैन सेक्शन में यहाँ पर आ जाते हैं एल मोरी भाई। एल लेमिन अच्छा खासा प्रदर्शन किया है इस टीम का गेंद, अच्छे खासे प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहेगा और यह है दिल्ली ओमेंस की ओपनर है। उसके बाद है बेंगलोरे ओमेंस की ओपनर जो है एस मादना, कभी अच्छे स्कोर करते हैं, कभी लो स्कोर कभी हाई स्कोर, दो मुकाबले खेले हैं, दो मुकाबले में अर्धशतक लगाए हैं, दो मुकाबले में फ्लॉप्स हुए हैं। आपस में हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो दोनों हेड टू हेड मुकाबले 4 खेले हैं, 4 में से 2 में अच्छे खासे प्रदर्शन किया है, 1 3 में किया है। एस वर्मा जो है रिसेंट के मैच में अच्छा नहीं है, लेकिन जब जब खेला है लंबे पारी अर्धशतक मार के गया है, अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकती है। जार्डन अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा और नीचे उतरता है 4 से 5 नंबर में, इसलिए इसे अपने टीम में एस मॉडल खेलेगा तो लाइनअप में नाम शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि टॉस होने के बाद इतना प्लेयर चेंज होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं और जो उतना प्लेयर चेंज हो जाता है। फिलहाल के लिए अगर आप लोग 4 बैट्समैन है, 4 बैट्समैन में 3 बैट्समैन सेव है, चौथा बैट्समैन का रूम में जो होगा ग्रैंड लीग में रिक्सी टीम बैट्समैन होगा, इसलिए ये 4 बैट्समैन में से आप किसे ट्राई करना है ये भी बताएंगे। एम मैकब अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है, 5 नंबर में बैटिंग ऑर्डर आता है और बॉलिंग से काफ़ी लाजवाब प्रदर्शन करती है और बैटिंग जब जब इन्हें मौका मिला है अर्धशतक शतक हाई स्पीड से बल्लेबाजी करती है
कम ही बॉलों में अच्छे खासे स्कोर निकाल देती है। ज्यादा इनकी बल्ले से चौके छक्के की लगने का संभावना उम्मीद लगा सकते हैं। एलिस प्री जो है ये 3 नंबर में बैटिंग करने आएगी और पूरे पार्ट टाइम बॉलिंग करेगा। पूरे 4 ओवर 4 ओवर करती है। अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बेंगलुरु की तरफ से जीती नहीं है लेकिन कमजोर टीम से है। अच्छे खासे अभी रिसेंट के फॉर्म काफी जबरदस्त है। एएसपी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, रिसेंट के मैच काफी लाजवाब है। हेड टू हेड मुकाबले में भी अच्छे खासे प्रदर्शन किया, कभी बैटिंग से कभी बॉलिंग से। एन जॉक्सन जो है सेलेक्शन परसेंट रहा है, बॉलर काफी जबरदस्त है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। एस सोबिया 2 नंबर में बैटिंग करने आएगा लेकिन बॉलिंग से खास प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहा है। रिसेंट के मैच में अभी थोड़ा बुरी चल रहा है जिसके कारण इनकी सिलेक्शन परसेंट लो हो गई, लेकिन 2 नंबर में लाइना में नाम शामिल है। पूरे पार्ट टाइम बॉलिंग भी करती है। एलगरन भाई इस टीम का गेंस खेला है नहीं है लेकिन अच्छे खासे बॉलर है, सिलेक्शन परसेंट लो है। एसोमिक ये सब तो अच्छे प्लेयर है, एंड खेलेगा तो यूनिक प्लेयर होगा। आपको लगता होगा भाई ये 7 ओलंडर है, 7 ओलंडर में से किसे लूँ, किसे ड्रॉप करूँ। मैं 7 ओलंडर में से 3 या 4 ओलंडर को लेने के लिए बोलूँगा, बाकी को ड्रॉप करने के लिए बोलूँगा। मैं टीम क्रिएट करके रीजन बताऊँगा किस कंडीशन में इसे रखना है, किस कंडीशन में इसे ड्रॉप करना है। अब बात कर लेते हैं बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में यहाँ पर रिंकू ठाकुर खास प्रदर्शन नहीं करता है लेकिन अगले मुकाबले में काफ़ी प्रदर्शन कर रही थी। फिलहाल में ना तो विकेट मिल रही है, जिनकी सिलेक्शन परसेंट लो है, अनुभवी है, एक्सपीरियंस है। राधा यादव अच्छे खासे हैं, दिल्ली वोमेंस की तरफ से विकेट टेकर बॉलर है और अच्छे खासे विकेट निकाल देती है। इस टीम के अगेंस्ट हेड टू हेड भी अच्छे मुकाबले कर लेती है। उसके बाद देखिए एसन बेंगलुरु की तरफ से खेलेगी, अच्छे खासे यूनिक होगा। इस टीम का अगेंस्ट खास प्रदर्शन नहीं कर रही है लेकिन दिल्ली का बल्लेबाज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बेंगलुरु का 2-3 जीना चुनी है। ऑलरेडी 1 मुकाबले खेले हैं, 1 विकेट निकाली है इस टीम का अगेंस्ट। एस पहले इस टीम का अगेंस्ट खास खेले नहीं है लेकिन रिकॉर्ड अच्छे खासे हैं। दूसरा टीम का अगेंस्ट अच्छे खासे प्रदर्शन कर लेता है। दिल्ली में एस पंडे अच्छे खासे प्रदर्शन करती है। अब देखिए यहाँ पर एल लेमू भाई, दिल्ली वुमेन्स की एल लेमू है जिनका सिलेक्शन परसेंट काफ़ी लो है और इनका लाइनअप में भी नाम शामिल है। इनकी खेलने का चांस पूरे हैं, इसलिए इसे अपने टीम में रखना चाहे तो रख सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं। 6 बॉलर में से आपको किसे ट्राई करना है किसे नहीं ये भी बताएंगे। और यहाँ पर एस्टोन ये डर्म कार्ड 7 होगा, 7 में मैं 3-4 जो है डर्म कार्ड प्लेयर बताए हैं। अगर आप लोग डर्म कार्ड प्लेयर के लिए लेने चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर आप सेव लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए मैं आपको टीम क्रिएट करके बताएंगे। अगर आप लोग 3 मेंबर वाले लीग खेलते हैं, 2 मेंबर वाले मेगा जीएल खेलते हैं तो उस वक्त किस प्रकार से आप लोग टीम बना सकते हैं। देखिए रिशा को से 4 नंबर में के उतरने के बावजूद भी बेंगलुरु को एक अच्छा विकेट कीपर मिला है रिशा घोष, और पार्ट टाइम पूरे बैटिंग 4 नंबर में करता है, कम ही बॉलों में अच्छे रन मारती है। मैं अपनी टीम में रिशा घोष को लिया हूँ। अब बैट्समैन सेक्शन में देखिए एलेमन दिल्ली की तरफ से हेड टू हेड मुकाबले 4 खेली है, 4 मुकाबले में से 2 में अच्छा खासा प्रदर्शन की है, 2 में फ्लॉप्स हुई है। एस वर्मा यहाँ पर 3 बैट्समैन को मैं अपनी टीम में रख लिया हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को बता देते हैं पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग पिच है, गुड फॉर स्पिनर है। यहाँ पर एवरेज स्कोर 141 है। भेन्नू अरुण जेटली स्टेडियम जो कि दिल्ली में खेला जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम जो कि दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर हाई स्कोर 200 बना है, लो स्कोर की बात करें तो 96 पर ऑल आउट हो चुका है। और यहाँ पर जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है और वो मैच हार जाता है, जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करता है उनको जीतने की चांस ज़्यादा रहती है। 3 बैट्समैन को लिया है। उसके बाद ओलंडर सेक्शन में एमए को लेंगे। 5 नंबर में ओलंडर है, 5 नंबर में बैटिंग करेगा, रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं। एलेक्स पीरी 3 नंबर में करेगा, अच्छे खासे हैं। एलेवन अच्छे खासे एन जॉक्सन को मैं 4 ओलंडर में, या आप चाहें तो एस ढुबिया को ले सकते हैं, सलेक्शन परसेंट लो है। मैं यहाँ पर 3 ओलंडर लिए हैं।
अब आ जाते हैं बॉलर सेक्शन में। भाई बॉलर सेक्शन में खास से एक पूनम यादव छोड़कर एलमेन को खास प्रदर्शन नहीं किया, मैंने दिल्ली वोमेंस की एक ले लिए है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट जो है एस पांड्या है, अच्छे खासे प्रदर्शन करेगी इस टीम का अगेंस्ट, एस पांड्या को लिए हैं। उसके बाद आ जाता है रेड्डी एसन एसन है। आप लोग राधा यादव को मैं चार बॉलर लिए हैं, चार बॉलर में से दिल्ली वोमेंस की एक बॉलर और उस दो बॉलर दिल्ली वोमेंस की, एक बॉलर ये हैं जो है बेंगलुरु वोमेंस की। मैंने पूरे चार तीन बॉलर लिए हैं, तीन बॉलर में से एक जो है। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में आने के बाद देखिए एस अभय को दो नंबर में बैटिंग करेगा, अच्छे खासे प्रदर्शन करने का संभावना रहेगी। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद देखिए आप भी जानते हैं जिस भी टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन अच्छे खासे प्रदर्शन कर दी वो टीम अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा। अब यहाँ पर कैप्टन सेफ कैप्टन के रूप में एल एस पेरी रहेगा, रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, एक में बैटिंग से यानी दो मैच में फॉर्म वापस आ गया, जिनकी सेलेक्शन परसेंट कैप्टनसी काफ़ी हाई हो गई है और यहाँ पर कैप्टनसी सेव रहेगा, पूरे चार ओवर करेगा। अब यहाँ पर मैं कैप्टन के रूप में एम क्यू अनकोट लूँगा क्योंकि सेलेक्शन परसेंट लो है और यहाँ बैलेंस पिच है, कभी बॉलर को फेवर में जाएगा कभी बैटिंग का फेवर में जाएगा, कैप्टन मैं उसे दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन भी मैं ऑलराउंडर को दूंगा या बैट्समैन को दूंगा, वाइस कैप्टन के रूम में ए एपरेसर को रहेगा, मैं वाइस कैप्टन इसे दिया हूँ क्योंकि इस टीम का अगेंस्ट अच्छे खासे प्रदर्शन कर रही है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। दिल्ली की तरफ से ध्यान रहे अगर दिल्ली वोमेंस पहले बॉलिंग करेगा तो दोनों ऑलराउंडर को कैप्टन दीजिएगा, अगर पहले बैटिंग करेगा तो वाइस कैप्टन यहाँ पर एस वर्मा को दे, एल लेमन को दे सकते हैं, अच्छा खासा रहेगा, अच्छे खासे प्रदर्शन करने का संभावना रहेगा। सेफ टीम करते हैं, सेफ टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है। मेरा टीम का परव्यू इस तरह से रहेगा। हाई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।